हेलो हेलो हाँ सुन, इसमें घोटाले पे कुछ और आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ आ गया, सब भाग गया, सब उसको तुम छुए भी नहीं। कहाँ से? तो उसको यूज नहीं करते हैं उसको कैसे? क्या क्या करें नेक्स्ट? तो कर नहीं, वहां पे छोटा वाले पे नहीं। अब तो स्क्रीन पे आ गया, तो छोटा वाले पे गड़बड़ न हो रहा? छोटा वाला जो थी है, क्या कहते हैं, कमेंट होता है। सबसे लास्ट नहीं, रुक जाइए रुक जाइए, आप जोड़िएगा तो गड़बड़ कर दीजिएगा। बोर्ड के बगल ये है कहाँ? नहीं कहाँ कुछ है, क्या और गड़बड़? नहीं तो और उल्टा आ गया। हाँ रुक 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 के छोड़िए, ठीक है। गुड इवनिंग विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। मैं आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, तो विद्यार्थी जी जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए दिवाकर जी गुड इवनिंग भाई, निर्मल कुमार जी राधे राधे, रोहित जी आपको भी शुभ आशीर्वाद भाई, जी बिल्कुल पीडीएफ लोड है। चलिए बिट्टू जी, सर हम क्लास लाइक कर दिए हैं, बिल्कुल
चलिए रिंकी जी गुड इवनिंग, ललन जी आपको भी गुड इवनिंग भाई, धर्मेंद्र जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग परवीन जी गुड इवनिंग, चलिए अमित भाई गुड इवनिंग। चलिए जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे, अब जल्द से जल्द अपनी संख्या बढ़ाइए, आगे बढ़ने का प्रयास मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। आज आज का टाइप जो है बहुत अच्छी टाइप है, थोड़ा सा समझने का टाइप है, सीखने का टाइप है, चूंकि इसे कंडीशनल टाइप कहा जाता है ना, कंडीशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। चलिए धर्मेंद्र जी संत बाबा की जय, बिल्कुल बिल्कुल विद्यार्थी जी। चलिए जल्द से जल्द शेयर करने का प्रयास करेंगे विद्यार्थी जी। जितनी जल्द शेयर करने का प्रयास करेंगे, संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए सीखते हैं। एक दुकानदार ने दो खिलौने प्रत्येक 990 रुपए में बेचे। ध्यान देना है यहाँ कंडीशन क्या है विद्यार्थी जी, विक्रय मूल्य सेम है। यहाँ कंडीशन क्या है विद्यार्थी जी, प्रत्येक को 990 में बेचा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपका सेम है, सेलिंग प्राइस विद्यार्थी जी सेम है। अब कई एक तरीके से मैं आपको समझाने का तरीका सोच रहा हूँ, आप केवल तरीके सोचिए सीखने का विद्यार्थी जी। चलिए केयर कीजिएगा, तो सीप यहां देखिएगा लिख रहा है क्या, एक दुकानदार ने दो खिलौने प्रत्येक 990 रुपए में बेचा, प्रत्येक को 990 में बेचा, यानी विक्रय मूल्य सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। अगर सेलिंग प्राइस सेम होता है विद्यार्थी जी, अगर सेलिंग प्राइस सेम होता है, दो दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम होता है, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम होता है, और एक पे जितना परसेंट का लाभ हो, एक पे जितना परसेंट का लाभ हो, दूसरे पे उतने ही प्रतिशत की हानि हो, तो पूरे में हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होती है, पूरे में एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होती है विद्यार्थी जी। लेकिन कब, जब विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, एसपी सेम होना चाहिए। जब कभी भी विक्रय मूल्य सेम हो, जब कभी भी विक्रय मूल्य सेम हो, जब कभी भी सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पर जितना परसेंट लाभ होगा, दूसरे पर उतना ही परसेंट हानि हो, तो पूरे में एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होती है, पूरे में एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होती है। लेकिन विद्यार्थी जी, अब आपके मन में एक सवाल होता होगा, क्यों होता है और होता है तो कैसे होता है, तो उसकी बातें करें। अगर आपको याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहा तो हमको हमसे सीखने की तैयारी करें। अगर याद रह गया विद्यार्थी जी तो बहुत अच्छी बात है, कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, एक पे जितना परसेंट लाभ, दूसरे पे उतना ही परसेंट हानि हो, तो पूरे में एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होगी। तो चलिए मैं पहला कंडीशन लिख दिया कि यदि विक्रय मूल्य सेम हो, विक्रय मूल्य सेम हो विद्यार्थी जी, विक्रय मूल्य सेम हो, और पहला को एक्स परसेंट लाभ पर बेचा गया है और दूसरा को एक्स परसेंट हानि पर बेचा गया है, तो पूरे में हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होगी, पूरे में एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होगी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ तरीके नंबर दो, दिमाग लगाने की तैयारी कीजिएगा। पहले को 10% लाभ पर बेचा है, 10% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य 110, यानी 10:11। पहले को 10% लाभ पर बेचा है, अर्थात 100 का सामान 110 में बेचा है। दूसरे को विद्यार्थी जी 10% हानि पर बेचा, यानी 100 का सामान 90 में, यानी 10:9। अब आपका कंडीशन दिया हुआ है विद्यार्थी जी, कंडीशन क्या है कि विक्रय मूल्य सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए ऊपर में 9 से गुना और नीचे में विद्यार्थी जी 11 से गुना, ऊपर में 9 से गुना कर देंगे तो ये भी 99 हो जाएगा, 11 से गुना कर देंगे ये भी 99 हो जाएगा, तो पूरे में यानी पूरे का कॉस्ट प्राइस यानी ए प्लस बी दोनों का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 110 और 90 विद्यार्थी जी 200। यहाँ देखिएगा 99 2×99। अब 2 से कट जाएगा 100 बार में, अर्थात 100 का सामान 99 में बिक रहा, 1% की हानि, 100 का सामान 99 में बिक रहा अर्थात 1% की हानि। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूले लगाने आता है तो लगा लीजिए, और नहीं लगाने आता तो एक काम कीजिए,
तीसरी तरीके विद्यार्थी जी, तीनों का अपना अपना वैल्यू है, तीनों सीखेंगे। तीसरा तरीका, विक्रय मूल्य सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, समझने की तैयारी कीजिएगा, सीखने की तैयारी कीजिएगा, हड़बड़ाने का तैयारी मत कीजिएगा हमसे। अभी अभी शुरू हुआ है, देखिएगा इस पे क्वेश्चन कितना आसानी से घूमते रहता है और कितना बड़ा मिस्टेक आप लोग करते रहते हैं, ब्लंडर इसमें होती है विद्यार्थियों से। ये ब्लंडर अब होना नहीं चाहिए, सीखने की तैयारी करेंगे भाई जी, सीखने की तैयारी करेंगे। भोला प्रसाद जी बिल्कुल, BSCC का ऑफलाइन बैच भी होता है भोला जी। बोला जी ऑफलाइन बैच 4 से 6 है, ऑनलाइन बैच 2 से 5 है। चलिए तीसरी चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा कि पहला का क्रय मूल्य मैंने मान लिया P1, दूसरे का क्रय मूल्य मैंने दिमाग में रखा P2। पहले का क्रय मूल्य P1 माना, दूसरे का क्रय मूल्य P2 माना। तो पहले को बेचा है 10% लाभ पर, यानी 110 में। पहले को 10% लाभ पर बेचा है और दूसरे को 10% हानि पर बेचा है। पहले को 10% लाभ पर बेचा है और दूसरे को 10% हानि पर बेचा है। अब आपने कहा दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, पहले को 10% लाभ तो क्रय मूल्य का 110%, दूसरे को 10% हानि यानी क्रय मूल्य का 90%। और आपने कहा दोनों विक्रय मूल्य सेम है, तो जब विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का अनुपात विद्यार्थी जी उलट जाएगा। क्रय मूल्य का अनुपात जब दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे, अर्थात हो जाएगा 9:11। क्रय मूल्य का रेशियो हो गया विद्यार्थी जी 9:11। ये बहुत ही काम की चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन लिख करके नहीं, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि जब कभी भी विक्रय मूल्य सेम हो, जब कभी भी विक्रय मूल्य सेम हो तो क्रय मूल्य का अनुपात उलट जाता है। बोलिएगा क्रय मूल्य का अनुपात क्यों उलटेगा भाई? क्योंकि प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, तो जहां कहीं भी यहाँ सेम की बातें होगी तो रेशियो क्रय मूल्य का ही चलेगा विद्यार्थी जी। जैसे ही रेशियो उलटने की बातें होगी तो क्रय मूल्य का रेशियो निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य सेम है तो पहले का 110% दूसरे का 90% बराबर है, तो जैसे ही दो राशि बराबर है तो उलट देंगे 110 और 90, तो उलट के हो जाएगा 90:110 यानी 9:11। 9:11 आप लोगों को यहां तक क्रय मूल्य का रेशियो समझ में आ गया होगा। अब आगे सीखिएगा और समझिएगा, इसके बाद एवरेज का यूज होता है विद्यार्थी जी। पहले पे 10% लाभ लिया है, पहले पे 10% लाभ लिया है, दूसरे पे 10% हानि हुआ है, तो पूरे में प्रतिशत लाभ हानि यानी औसत का यूज करेंगे। पहले पे 10% लाभ, दूसरे पे 10% हानि, तो पूरे में औसत लाभ हानि की गणना करेंगे। छोटा है गुना करिएगा, 10 × 90 इधर हो जाएगा 110 यानी उलट घट के हो जाएगा -20, -20 बटा जल्दी बोलिएगा 11 × 9 = 20 के लिए, अर्थात हल करिएगा तो -1 का मतलब 1% का हानि, -1 का मतलब विद्यार्थी जी 1% का लॉस। तो आशा करेंगे आपको तीनों समझना होगा, तीनों का यूज जस्ट अभी बताते हैं कि केवल आप पहला जान लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं जाके आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा तीसरा अगर जान गए तो आपको अब कहीं कोई दिक्कत की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा दावा है। चलिए सीखते हैं। अगर इस तरह की क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले पहला तरीका ही यूज हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में लग जाएगा। पहले में जितना परसेंट का लाभ, दूसरे में उतना ही परसेंट की हानि हो तो x² / 100% की हानि। लेकिन एक कंडीशन होगा कब, जब जितना लाभ उतना ही हानि रहेगा तब। लेकिन ये सारे जो सेकंड का सीजन थर्ड कंडीशन था, ये किसी में भी लगेगा, जहां आप फेल करने लगेगा तो ये आपको पास कर देगा, ये दोनों तरीके आपको पास करेगा विद्यार्थी जी। नेक्स्ट सीखिएगा, एक व्यवसाय 2 फ्लैट इतना में बेचा है ना, 2 फ्लैटों को इतना में बेचा, 1 पर 9% का लाभ, दूसरे पर 9% की हानि, तब पूरे में 9² / 9 = 81 अर्थात 0.81% का लॉस, 0.81% का लॉस अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी डी। राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED टीवी सेट खरीदा, एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर बेचा, तो उसने दोनों टेलीविजन सेटों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों सेट के विक्रय मूल्य समान है, तो उसका समग्र लाभ या हानि बताइए। तो सीखिएगा और समझिएगा, केयर कीजिएगा। सबसे पहले केयर करना है विद्यार्थी जी, कह रहा है उनका विक्रय मूल्य समान है, दोनों सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो जब कभी भी विक्रय मूल्य समान हो तो क्रय मूल्य का अनुपात विद्यार्थी जी उलट देंगे।
क्रैमूल का अनुपात उलट दीजिएगा, अर्थात 20% लाभ का मतलब 120, 15% हानि का मतलब 85, तो उलट के हो जाएगा 85 और 120। अब आशा करते हैं कटता है तो काट लीजिएगा, यहाँ विद्यार्थी जी 17 बार में, यहाँ 24 बार। अब आपके प्रश्न में जो दिया हुआ है उसका तुलना उसे कर लीजिए, जिसे निकालना उसे गुना कर लीजिए, क्योंकि आपसे निश्चित राशि का डिमांड कर रहा है। तो जैसे ही निश्चित राशि का डिमांड करेगा तो जो दिया हुआ उसका तुलना उसे कर लेंगे, जिसे निकालना उसे गुना करेंगे। नीलेश भाई गलत हो जाएगा, नीलेश भाई आपको गलत हो जाएगा, मैं तुरंत अभी बता रहा हूँ, गड़बड़ मत करिएगा। 110% गलत कर रहे हैं, ब्लंडर इसको बोलते हैं नीलेश जी। नीलेश जी इसको 120% गलत कर देंगे आप, है ना, नंबर माइनस में नहीं मिलेगा, हमारे सामने रहेंगे, है ना। तो दो तार नंबर तो माइनस है मिलेगा ही, ऊपर से दो चार ढाड़ मारेंगे भी। अगर गलती से परीक्षा में आप बैठ गया और मैं देख लिया, गलती से गाड़ी कर रहा हूँ, बैठ रहा के देख रहा हूँ कि आपने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 किया, तो ऊपर से दो चार ढाड़ रख देंगे। गलत मत करिएगा। तो क्रैमूल का रेशियो तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस 41,000 है विद्यार्थी जी, टोटल कॉस्ट प्राइस 41,000 है दोनों का। तो कॉस्ट प्राइस का तुलना कॉस्ट प्राइस से, जिसे निकालना उसे गुना करेंगे। समग्र लाभ हानि, तो पहले को 20% लाभ पर, इसका 20% निकालिएगा विद्यार्थी जी, 3.4 का लाभ हुआ, इतना का लाभ हुआ। दूसरे पे 15% हानि, इसका 15% हानि निकालिएगा विद्यार्थी जी, 15% हानि निकालने का मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3.60 की लॉस हो गया। तो देखिएगा यहाँ लाभ हुआ, इतना हानि हो गई, इसका मतलब शुद्ध हानि हो गया विद्यार्थी जी 20 पैसे, है ना। 3.40 रुपया कमाया, यहाँ 3.60 रुपया गंवा दिया, इसका मतलब 20 पैसे की हानि हो गई। अब खुद देख लीजिएगा विद्यार्थी जी, 0.00 खत्म, 41 से 41 खत्म, अर्थात आपका आंसर 200। आपका आंसर विद्यार्थी जी 200। सत्यम राज जी, न्यू टॉपिक कब चालू होगा सर? भाई जो पढ़ना है वो पढ़ना लो, न्यू टॉपिक करके क्या करेगा, जो पढ़ रहा है उसे मन लगाओ, दिमाग इधर उधर करेगा तो ना तो ये होगा ना वो होगा। चलिए चलिए, सनी कुमार एल के आर 3M व्यू स्ट्रीम बनडे, ऐसा कर दिया तब तो मैं केवल यूट्यूब पे आने लगूंगा विद्यार्थी जी। चलिए पढ़िए पढ़िए, SICI की ओर मत जाइए, आज मेन टॉपिक है SICI, तो बच्चा का चीज है इसके सामने। अभी आपने कहा ना विद्यार्थी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 करते हैं। चलिए आंसर आ गया विद्यार्थी जी। अब जो विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर हमको गलती क्यों कर रहे हैं, हम गलत पढ़े हैं क्या? आप बिल्कुल 300% गलत पढ़े हैं। देख लीजिए मैं आपको बता देता हूं, समझने की तैयारी कीजिए। यहां भी तो देखिए, एक पर 20% लाभ है, दूसरे पे 15% हानि है, तो आप लोग बोल देते कि +20 -15, अब -20 × 15/100 कर देते। अब आप लोग को जवाब हो जाता, देख लीजिएगा विद्यार्थी जी, 20 + 25 = 100, यानी 3 बार में, यानी कहने का मतलब यहाँ 2% का प्रॉफिट हो जाता। आपके अनुसार तो 2% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि मैंने आंसर मारा है 200 रुपये की हानि। अब आप खुद देख लीजिए आपकी गलती कितनी बड़ी गलती है। चलिए, सहारा क्लासेज, आप बहुत हैंडसम लगते हैं सर। मैं हैंडसम नहीं हूँ, आपकी आंख बहुत सुंदर है, देखने का तरीका बहुत अच्छा है, आप जिस तरीके से देख रहे हैं वही तरीके दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को बदसूरत भी लगूंगा, वो देखने के तरीके डिपेंड करता है विद्यार्थी जी, आंख कैसा है। चलिए, नीतीश कुमार जी, सर हम बिहार से आपके फैन हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है विद्यार्थी जी, लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत मत करना भाई, ये तरीके गलत होता है, ये तरीके गलत नहीं महागलत होता है, है ना। ये लगा कहीं और है, सक्सेसिव वृद्धि कमी की बात के लिए आया है, इसके लिए नहीं लाया है विद्यार्थी जी। चलिए गलत है, आपको साबित कर दिया, अभी और साबित करेंगे, हड़बड़ाइए नहीं, आज तो मजेदार क्वेश्चन आने की बाकी है।
टोनी 6,50,000 रुपए की कुल लागत से दो कार ए और बी खरीदा। कार ए को 20% लाभ पर, कार बी को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों कारों के लिए समान विक्रय मूल्य है तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? हाँ शुभम, कैमरा थोड़ा सा और वीडियो लगता है हमारे में धीरे धीरे चल अधिक चल पीछे हो गया, पीछा हो गया जो कमेंट आता है ना उस पे। हाँ 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 चलिए हो गया। है तो वाइट पर लाइव और कुछ और गड़बड़ कर दिया था। नहीं नीचे दिखाई नहीं दे रहा। चलिए छोड़िए छोड़िए काम के चल जाएगा। तो चलिए विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मजेदार क्वेश्चन है, फिर फंसने का प्रयास नहीं कीजिएगा। यहाँ कंडीशन बस इतनी है विद्यार्थी जी, सीखिए समझिए क्या लिखा हुआ है। दोनों कारों का समान विक्रय मूल्य है, जब सेलिंग प्राइस सेम है विद्यार्थी जी तो तुरंत क्रय मूल्य का रेशियो लिखिए। सेलिंग प्राइस सेम है तो क्रय मूल्य का रेशियो उलट दीजिए विद्यार्थी जी, क्रय मूल्य का रेशियो उलट दीजिए, यानी 120 उधर चल जाएगा 75 इधर आ जाएगा। तो 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 20, 5:8 विद्यार्थी जी, 5:8। अब टोटल लागत मूल दिया हुआ है तो टोटल का तुलना 13 से 5 बार में कट जाएगा, यानी पहला का 2.5 लाख, दूसरे का 4 लाख, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी सी। आप देख सकते हैं आपका आंसर विद्यार्थी जी सी आ गया होगा, देखते के साथ आप आंसर मार सकते हैं, बच्चों की खेल की जैसे तो आपको हम आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे ही देखिएगा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस सेम है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को उलट देंगे, यानी 20 का मतलब 120 चल जाएगा राइट साइड और 75 चलाएगा लेफ्ट साइड। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, नीरज भाई आपकी ड्यूटी बनती है कि कैसे मुझे मिलियन पे पहुंचाना है। भाई आप चाह लोगे तो कुछ भी कर सकते हो। मजेदार क्वेश्चन, एक बार फिर से मजा आने वाली क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, मजा आने वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे छोड़ भागते हैं, रैन छोड़ हो जाते हैं, रैन छोड़ नहीं होना है, अब रैन तोड़ हो जाना है, सबको तोड़ करके अब निकलना है विद्यार्थी जी। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, आपको लगेगा कि कितना आसानी से बन रहे हैं। चलिए सरकारी बाबा, बाबा सरकारी है सर, चमत्कारी बाबा है सॉरी, हमको समझ में आ गया है कि पहले रेशियो निकालना होता है। बहुत अच्छा विद्यार्थी जी, कमेंट का ऑप्शन नहीं आता, आता है विद्यार्थी जी कमेंट का ऑप्शन आता है हाँ ना, लेकिन इतने रिलैक्स में नहीं रहते हैं, यही बातें हैं, वहां ड्यूटी बनती कितना क्वेश्चन आज पढ़ा के जाना है। नेक्स्ट सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में आते भी रहते हैं, प्रॉपर पे में। चलिए ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% लाभ पर और कुर्सी को 8.3% हानि पर बेचता है, लेकिन उसे कुल मिलाकर 25 रुपए का लाभ हुआ। दूसरी ओर सेकेंड कंडीशन, यदि वह मेज को इतना परसेंट हानि पर बेचे और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचे तो ना लाभ होता है ना हानि, ना लाभ होता है ना हानि। ध्यान दीजिएगा कंडीशन, ना लाभ होता है, ना लाभ होता है और ना हानि, और ना ही हानि, ना लाभ होता है ना हानि। इसका मतलब समझिएगा विद्यार्थी जी, पूरे में ना लाभ होता है ना हानि का मतलब होता है कि पहला का हानि आपस में बराबर है, पूरे में ना लाभ
हानि मतलब पहला में जितना प्रॉफिट कमाए दूसरा में उतना ही का लॉस हो गया, इसलिए पूरे में ना लाभ हुआ ना हानि। पहला दिन जितना पैसा पाए थे दूसरा दिन उतना ही हरा गया, इसका मतलब पूरे में ना लाभ हुआ ना हानि, है ना? सही है विद्यार्थी जी। पूरे में ना लाभ हुआ ना हानि का मतलब पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर है, पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर है। तो जैसे ही कह दे प्रश्न में कि पूरे में ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर है। चलिए उपेंद्र जी, इसके लिए धन्यवाद भाई। तो पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर है, देखिएगा, ना लाभ होता है ना हानि, इसका मतलब पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होगा। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, एक मेज है और एक कुर्सी है, जैसे ही बराबर है तो क्रयमूल का अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला का हानि 25/3 है जो उधर चल जाएगा, और दूसरा जो विद्यार्थी जी 25/2 है ये इधर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पूरे में ना लाभ हुआ ना हानि का मतलब पहला का हानि दूसरे के लाभ के बराबर है, और जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देंगे। तो लाभ और हानि बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर नहीं है, यहाँ लाभ और हानि बराबर है, तो इसका हानि उसके लिए, इसका लाभ इसके लिए उलट जाएगा विद्यार्थी जी। अर्थात रेशियो आपका मजेदार हो गया, आप लोगों को 3:2 आ गया, 25 से 25 कट गया, एलसीएम से गुना करेंगे 3:2 आ गया। मजा की बात आ गई विद्यार्थी जी। अब फर्स्ट कंडीशन की ओर चलिए, यहां से रेशियो निकल गया। तो जब भी ऐसा रहे कि पूरे में ना लाभ हुआ ना हानि, पूरे में ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होगा, और जैसे ही दो राशि आपस में बराबर होगा तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे। अब आपके पास निश्चित राशि दिया पूछ रहा है विद्यार्थी जी, तो आपको प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित राशि दिया होगा। तो देखिएगा, पहले कंडीशन में 25 का लाभ हुआ है, पहले कंडीशन में 25 का लाभ हुआ है, यहां देखते हैं लाभ कितने का हुआ है। तो मेज पे 12.5% का लाभ, और कुर्सी पे देखिएगा 8.1/3% की हानि। अब आपको समझना होगा विद्यार्थी जी, केयर करना होगा कि इसका 12.5% निकालना पड़ेगा, और इसका विद्यार्थी जी 12.5% का मतलब होता है 1/8। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आने की चीज है। 1/8, 8.1/3 का मतलब होता है विद्यार्थी जी 1/12। इसलिए कास रेशियो ऐसा रहता जो 8 और 12 से कट जाता, तो 8 और 12 से कटने का मतलब विद्यार्थी जी आपको 24 से गुना कर देना चाहिए। 24 से गुना कर दीजिएगा तो 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी। सीखिएगा, मेज को 1/8 लाभ, तो इसका 1/8 लाभ निकालिए, इसका 1/8 लाभ निकालिएगा तो 9 रुपए का लाभ आ जाएगा। दूसरे को 1/12 की हानि, इसका 1/12 हानि निकालिएगा, 1/12 का मतलब विद्यार्थी जी 4 की हानि, इसका 1/12 निकाल के देखिए 4 की हानि। तो 9 का लाभ, 4 की हानि, यानी शुद्ध लाभ हो गया 5 रुपया। लाभ का तुलना लाभ से। अब जिसकी क्रयमूल पूछा जा रहा है उससे गुना करो, मेज का क्रयमूल अर्थात 72 से गुना विद्यार्थी जी, 72 से गुना, 5 पचे 25, 72 पचे 360। क्या आप लोगों को मजा आ गया? अगर मजा आ गया तो एक बार मैं आप लोगों से राय मांगता हूं, कमेंट मांगता हूं, और आप लोगों को भी प्यार मांगता हूं, जल्द से जल्द करें। चलिए दैविक सिन्हा, हाँ डेली टीम को बोल रहे हैं, नहीं हो रहा क्या भाई? सर बिहार एसएससी वाले बैच में पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए। ए भाई शुभम, देखो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो जल्द से जल्द इस बच्चे का, इस विद्यार्थी जी का काम करो भाई, मैं सुनने के लिए कभी नहीं चाहूंगा। शुभम जरा देखो भाई, अगर हमारी आवाज जा रही है तुम्हारे पास तो देख लो। रोशन कुमार जी, प्रॉफिट एंड लॉस का पीडीएफ अपलोड है भाई, ऐसे करोगे तब तो गलत बात है। चलिए
प्रॉफिट एंड लॉस का पीडीएफ अपलोड है भाई, आप देख नहीं रहे हो। सारे बच्चे होमवर्क बना रहे हैं, सारे बच्चे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो क्वेश्चन उससे निकाल रहे हैं और आप सोए हो भाई। चलिए, चलिए सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं एक बार फिर से, चलिए उनकी बात रखने के लिए एक बार फिर से मजा लेते हैं इस क्वेश्चन का। आप लोगों को लगता है क्वेश्चन सजा देने के लिए आता है, हमें ये क्वेश्चन मजा देने के लिए आता है। बस यही सोच रखनी है, अपनी सोच जैसा रखोगे और सही बरकत होगी। सोच कैसा रखना है भाई, कि क्वेश्चन मजा देने आ रहा है, मजा लीजिए, है ना। जिस तरह से आप लोग बोलते हैं ना भाई, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, उसी तरह से मैथ का भी मजा लेने का प्रयास कीजिए। एसएससी बैच कब चल रहा है सर जी? एसएससी बैच डेली चल रहा है भाई, चलो सीखो। तो मैंने कंडीशन बताया, इस कंडीशन पे को केयर करेंगे। पूरे में उसे ना लाभ होता है ना हानि, पूरे में ना लाभ होता है ना हानि का मतलब पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होगा। पूरे में ना लाभ होता है ना हानि का मतलब पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होगा। तो जैसे ही दो राशि बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देंगे, मेज वाले कुर्सी के लिए, कुर्सी वाले मेज के लिए। तो चलिए सीखते हैं। इमेज में लिखा हुआ था 1/12 और यहां लिखा हुआ 1/8, तो इसका 1/12 का उल्टा 12 और 1/8 का उल्टा 8, यानी रेशियो हो जाएगा। विद्यार्थी जी जल्दी देख लीजिएगा, इसका हल करिएगा, 1/12 का उल्टा 12 और 1/8 का उल्टा 8। आशा करें यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सीखिएगा, अगर कटता है तो काट लीजिए, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। विद्यार्थी जी क्रैमूल का रेशियो निकल गया, उलटने आता है ना, उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1/12 का उल्टा 12, 1/8 का उल्टा 8। सर हिस्ट्री का पढ़ाते हैं, उनका साउंड बहुत स्लो रहता है। चलिए मैं बोल दूंगा साउंड स्लो क्यों है। मेरा साउंड ठीक है ना भाई विकास जी? थोड़ा सा संख्या बढ़ाओ विकास भाई। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ए भाई, तो मैंने पिछले बार भी बोला था यार कि पीडीएफ पीपीटी जरा ठीक से तैयार करो, पीपीटी तैयार करने में गलती क्या है, और पीडीएफ गलती इन लोग करता है, सजा विद्यार्थी लोग मुझे देते। चलो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा भाई। अब आपके पास निश्चित राशि 25 रुपया है, तो 25 रुपया का यूज करिएगा तभी निश्चित राशि निकलेगा। तो 25 रुपया है विद्यार्थी जी कुल मिलाकर लाभ। तो पहले में देखिएगा मेज पे लाभ हुआ है 12.5%, यानी 1/8। कुर्सी पे लाभ हुआ है, हानि हुई है 1/12। अब जल्दी से ऐसा क्रैमूल निकाल मानिए कि 8 से कट जाए, 12 से कट जाए, तो 8 और 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 24, इसलिए मैं 24 से गुना कर दिया। अब सीखे, पहले पे 1/8 का लाभ, तो इसका 1/8 करिएगा विद्यार्थी जी, 9 रुपए का लाभ आ जाएगा। दूसरे पे 1/12 की हानि, तो इसका 1/12 निकालिएगा, 4 की हानि। तो 9 का लाभ और 4 की हानि, यानी शुद्ध लाभ विद्यार्थी जी 5। लाभ का तुलना लाभ से, मेज का क्रैमूल निकालना है 72 से गुना कर लीजिए, 5 से 5 बार में, अर्थात आंसर विद्यार्थी जी 360। मजा तो आना चाहिए था आप लोगों को। चलिए कार्तिक जी पहले पढ़ लीजिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत पढ़ना है, अभी 2 घंटे पढ़ना हम लोग को, है ना। मोबाइल डाटा जरा बचा के रखिएगा, मुझे भी मजा आता आप लोगों को बैच में आने पर। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ता हूं, सीखिएगा। एक आदमी ने एक टेबल 1350 में खरीदा,
एक आदमी दो टेबल 1350 में खरीदा, एक को 6% हानि पर बेचा, दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचा। अब पूरे में मिलाकर ना तो लाभ हुआ ना हानि, ना तो लाभ हुआ ना हानि, मतलब पहला का लाभ दूसरा की हानि के बराबर है। तो जैसे ही दो राशि बराबर है, अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे, यानी पहला है 6, दूसरा है 7.5, तो उलट जाएगा, इधर हो जाएगा 7.5, इधर हो जाएगा 6, काट लीजिएगा 15×5=75, 15×4=60, यानी 5:4। विद्यार्थी जी, अब टोटल क्रयमूल दिया हुआ है 1350, यहाँ टोटल क्रयमूल देखिएगा 9, क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से, निकालना क्या है मूल्य का अंतर, क्रयमूल में अंतर कितने का भाई, 1 का, 9 से कट जाएगा, 15×9=35 से आंसर 150। देखिए और मारिए, क्यों डर रहे हैं, मजा लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट सीखने की तैयारी विद्यार्थी जी, अगले क्वेश्चन सीखने की तैयारी। एक डीलर एक टेबल को 400 में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है, एक अन्य टेबल को 10% हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि। फिर मजे की बात, कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि, मतलब पहला का लाभ दूसरे की हानि आपस में बराबर हो, तो क्रयमूल का अनुपात उलट दीजिएगा, 25 और 10 है, उलट के हो जाएगा 10 और 25, तो 5×10 25। पहला का क्रयमूल दिया हुआ 400 रुपये, पहला का विक्रय मूल्य दिया हुआ माफ कीजिएगा 400 रुपया, 400 रुपया विद्यार्थी जी विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है पहला का, और यहाँ पहला को बेचा गया था 25% लाभ पर, 25% निकालने में दिक्कत ना हो इसलिए 0 बैठा लीजिए। इसका 25% लाभ, तो इसका 25% लाभ निकालिएगा, 5 का लाभ, यानी बेचा था 25 में, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। दूसरी मेज की कीमत उसे कितनी थी, दूसरी मेज की कीमत पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी, तो दूसरे को बेचा है 10% हानि पर, दूसरे को बेचा है 10% हानि पर, तो इसका 10% हानि मतलब 5 की हानि, यानी 45। अब सीखिएगा और समझिएगा, सीखते हैं, केयर कीजिएगा। अच्छा क्या पूछ रहा है, दूसरे मेज की कीमत, माफ कीजिएगा विद्यार्थी, हाउ मच डिड द सेकेंड टेबल कॉस्ट हिम, मतलब कितने में खरीदा था पूछ रहा है विद्यार्थी, तो क्रयमूल पूछ रहा है डायरेक्ट 50 से गुना, 25×50, यानी आंसर कितना भाई, 800। देखो और आंसर मारो, टिक टिक करो। अवधेश कुमार जी, बीएससी का बैच मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा विद्यार्थी जी, क्यों नहीं मिलेगा, मैं हूं किसके लिए भाई, ऐसी बात बोल के शर्मिंदा मत करे, बैच आपको मिलेगा, मिलेगा 110% मिलेगा। दशमलव कहाँ चला गया सर, 6 नंबर में, दशमलव कहाँ था भाई, दशमलव था तो दशमलव लेफ्ट साइड है, तो राइट से लीजिएगा, 75 और 60 लिख दीजिएगा, 15×5=75 और 15×4=60, काटने का काम खुद कीजिए, पूरा काम हम पे मत भेज दीजिए। नेक्स्ट, दो वस्तुएं 4000 रुपये में बेची गई है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 4000 में बेची गई, एक पे 15% का लाभ, दूसरे पे 15% की हानि, कुल लाभ या हानि का निकटतम पूर्णांक बताइए लीजिए। ये तो बच्चों वाली चीजें हो गई। कह रहा है पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 400, 4000। ये ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ गड़बड़ क्या किया, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक 4000 की दर से बेची गई, ऐसा लिखना चाहिए। अब प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा गया है, एक पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% हानि, यानी पूरे में 2.25% का लॉस। पढ़े होंगे विक्रय मूल्य सेम है, एक पर जितना परसेंट लाभ, दूसरे पर उतना ही परसेंट हानि, तो पूरे में x²/100% की हानि। अब केयर करिएगा विद्यार्थी जी, 4000 रुपया जो दिया हुआ है, 4000 रुपया जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य 1 का, तो 2 का इतना, यहाँ आप लोग का विक्रय मूल्य हो जाएगा विद्यार्थी जी 100 में से इसको घटा दीजिएगा, यानी 97.75।
हानि निकालना है यानी 2.25। हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, आंसर आ जाना चाहिए। एक पे जितना परसेंट लाभ, दूसरे पे उतना ही परसेंट हानि। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा विद्यार्थी जी, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक 4,000 की दर से बेची गई, ऐसा होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ विद्यार्थी जी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य सेम रहेगा नहीं, कंडीशन कभी फुलफिल होगा ही नहीं, और कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अधूरे टाइप का है, गलत टाइप का है, कहीं ना कहीं टाइपिंग वाले गलती किए हैं। नेक्स्ट, दो बाइक की लागत मूल्य का जोग, देखिए 1,00,000 रुपया दिया हुआ है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य का जोग। एक बाइक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। देखिए विक्रय मूल्य सेम है विद्यार्थी जी, तो विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का अनुपात उलट जाएगा। विक्रय मूल्य को सेम करना है, यानी इधर 120 हो गया, इधर 80 हो गया, उलट दीजिए विद्यार्थी जी, यानी 80 और 120, 40 × 80, 40 × 20 से टोटल जोग 1,00,000 है विद्यार्थी जी। तो 1,00,000 का तुलना जल्दी बोलिएगा 5 से। पहला का क्रय मूल्य तो 2 से गुना, दूसरा का क्रय मूल्य तो 3 से गुना। पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है? 2 से गुना। 5 × 10, 2 × 4, यानी 40,000 विद्यार्थी जी। राजेश सिंह झारखंड से, प्लीज मैथ करवा दीजिए ना भाई। तो मैथ तो करवा रहा हूं, काहे से बोलते यार, प्लीज क्यों लिख रहे हो, मैथ तो करवा रहा हूं भाई। बिहार एसएससी का एग्जाम कब से होगा विद्यार्थी जी? गारंटी नहीं, लेकिन आशा किया जा रहा है फरवरी में होगा, फरवरी में होगा, जनवरी फरवरी के बीच हो जाएगा विद्यार्थी। दो वस्तुएं के 9,000 रुपए प्रति दर की बेचा, देखिएगा यहाँ साफ लिखा हुआ है 9,000 रुपए प्रति की दर से बेचा, मतलब प्रत्येक को 9,000 में बेचा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, प्रत्येक को बेचा यानी सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर 50% लाभ, दूसरे पे 50% हानि, तो पूरे में 50 का स्क्वायर बटा 100 यानी 25% का लॉस, 100% की हानि यानी 25% का लॉस। अब देखिएगा पूरे में हानि पूछ रहा है विद्यार्थी जी, तो 9,000 रुपया दिया हुआ एक कप सेलिंग प्राइस, तो दोनों का सेलिंग प्राइस इतना, यहाँ सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से, लॉस निकालना है 25 से गुना, 25 × 75, 3 × 9 अर्थात 6,000। कितने का लॉस होगा विद्यार्थी जी? 6,000 का। बीएससी का ऑनलाइन बैच विद्यार्थी जी, बिहार एसएससी का ऑनलाइन बैच आपकी ऐप पे मौजूद है, आप एक बार मिल देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे उस पे लेना है, क्योंकि जीके का भी है, मैथ रीजनिंग का भी है, पूरे का भी है, टेस्ट का भी है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लीजिए। देखो देखो उपेंद्र भाई, ये सब गलत बात, आप एक बार फेल हो गए तो क्या मम्मी पापा बार बार बोलेंगे, तू फेल नहीं ना हो जी मावरी यार, अपने सोचो, अगर गलती से एक बार तू फेल हो गया भाई तो तुमको लोग मम्मी पापा गांव वाले सब ये बोलते रहे, फिर फेल नहीं ना हो जी माँ, फिर फेल नहीं ना हो जी माँ, तो गलत बात है कि नहीं? अरे एक बार आउट हो गया हो गया, अगली बार कैसे आउट होगा, है ना, आउट नहीं होगा, आउट करने वाले गद्दार लोग होते हैं, अब क्या करोगे। चलिए तो फिर से समझते हैं विद्यार्थी जी, जब कभी भी सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पे जितना परसेंट लाभ, दूसरे पे उतना ही परसेंट हानि, तो पूरे में 100% की हानि, तो 100% की हानि यानी 25% की हानि। अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत हानि पूछता तो आंसर हो जाता, लेकिन निश्चित राशि पूछ रहा है तो प्रश्न में निश्चित राशि कहीं ना कहीं होगा, तो 9,000 रुपया एक का सेलिंग प्राइस है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9,000 × 2, यहां से सेलिंग प्राइस पूरे का हो जाएगा विद्यार्थी जी 75, तो सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से, लॉस निकालनी है 25 से गुना। आशा करते हैं अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अर्थात विद्यार्थी जी 6,000।
आकाश कुमार जी सर मैथ का बैच है, बिल्कुल है, सिर्फ मैथ का बैच है। नेक्स्ट सीखिएगा। एक दुकानदार द्वारा दो वस्तुएं 24,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेची गई, यानी सेलिंग प्राइस सेम है विद्यार्थी जी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अभी तक में नया क्वेश्चन फिर से आ गया है, समझने की तैयारी कीजिएगा। सेलिंग प्राइस सेम है विद्यार्थी जी, अब पूरे में ना लाभ हुआ है ना हानि, डबल कंडीशन है, सेलिंग प्राइस भी सेम है और लाभ हुआ ना हानि भी सेम है, दोनों मिल जा रहा है यहाँ पे, दोनों का मिलान हो रहा है भाई, इसलिए दिमाग को थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे। कल्पना जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सीखिएगा। तो पहले को बेचा है 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब विद्यार्थी जी क्रय मूल 100 तो विक्रय मूल 120 यानी 5:6, ध्यान दीजिएगा पहला को। दूसरा के बारे में बोला जा रहा है विक्रय मूल सेम है यानी 6, तो यहां भी 6। अब पूरे में ना लाभ हुआ है ना हानि, मतलब जितना विद्यार्थी जी विक्रय मूल उतना ही क्रय मूल, तो विक्रय मूल 12 तो क्रय मूल भी 12 लाने के लिए 7 होना चाहिए। आशा करते हैं लाइन आपको समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आ गया होगा भाई, जल्दी से समझिए। अब आगे बढ़ते 24,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा है, यानी 24,000 रुपये प्रत्येक का विक्रय मूल है, यहाँ विक्रय मूल हो गया विद्यार्थी जी 6, विक्रय मूल का तुलना विक्रय मूल से। दूसरे वस्तु पर हानि पूछा जा रहा है, तो 7 का सामान 6 में बिका है, कितने की हानि 1, अर्थात आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 400। कितना आंसर हो गया विद्यार्थी जी 400, 240, 240 मार रहे हैं, तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई, 240 कहां से आ गया यार। चलो मैं और भी तरीके आपको सिखाता हूं भाई, आप सीखने के लिए तैयार खाली हो जाइए ना, सीखिएगा। फिर से तरीके नंबर 2, तरीके नंबर 1 दिखाई दे दिया है विद्यार्थी जी, प्रत्येक को 2400 रुपया में बेचा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम है विद्यार्थी, सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है विद्यार्थी जी सेम है। चलिए पहले विक्रय मूल का तुलना विक्रय मूल से कर दीजिए, यानी यहां का इसका तुलना 120 से, 120 से लाभ निकालना है 20 से गुना, 20 से विद्यार्थी जी 6 बार में 6 × 24 यानी 400 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है विद्यार्थी जी, विक्रय मूल का तुलना विक्रय मूल से, लाभ निकालना 20 से गुणा, कितने का लाभ हुआ 400। अब पूरे में ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब पहला पे अगर 400 का लाभ तो दूसरा पे 400 की हानि होगी कि नहीं होगी भाई, पहला पर 400 का लाभ तो दूसरा पर 400 की हानि होगी कि नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगा, अर्थात आंसर 400 मारो। अब ये 1000 तरीके मैंने बोला ना, आप जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं मैं उतने तरीके आपको दे सकता हूं। सिंपी प्लीज सर सेट में आना है मुझे, आइए आइए, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है आपका। नेक्स्ट सर हमको पास इंटर का ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या हम बीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई, और भी तरीके हैं लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अभी ने दो वस्तुओं को प्रत्येक 5,220 रुपये में बेचा, एक पर 16% लाभ, दूसरे पर 10% हानि हुई है। मजेदार क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, मजा आने वाला क्वेश्चन है, सीखिएगा। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रयमूल पर की जाती है, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रयमूल पर की जाती है, इसलिए हर हालत में आपको क्रयमूल का रेशियो निकालना चाहिए। तो सीखिएगा, प्रत्येक को इतना में बेचा है, नहीं विक्रय मूल सेम है, प्रत्येक को इतना में बेचा है, नहीं विक्रय मूल सेम है,
यहां विद्यार्थी जी विक्रय मूल्य हो जाएगा 116, यहां विक्रय मूल्य हो जाएगा 90, उलट दीजिए सेम ऐसे उलट जाएगा 90 और 116। कटता है तो काट लीजिए, क्रय मूल्य का रेशियो हो गया विद्यार्थी जी, जल्दी से कटता है तो काट ले, जितनी जल्दी ध्यान दीजिएगा ध्यान देंगे। दो से कट जाएगा विद्यार्थी जी 45 बार में, दो से कट जाएगा 58 बार में। आगे सीखिएगा और समझिएगा, केयर करिएगा। प्रत्येक को 5220 में बेचा है विद्यार्थी जी, यानी विक्रय मूल्य है 5220, विक्रय मूल्य है 5220। यहां विक्रय मूल्य समझने की तैयारी कीजिए। दूसरे को 10% हानि पर, इसका 10% हानि यानी 5.80 रुपये की हानि, तो 58 में 5.80 रुपये घटा दीजिए तो 52 रुपया विद्यार्थी जी, 52 रुपया 20 पैसे, 5.80 रुपये घटा दीजिएगा, 5.80 रुपये 58 में घटा दीजिएगा 5.80 रुपये, तो 58 में से 6 गया 52 रुपया 20 पैसा, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब पूछा क्या जा रहा है विद्यार्थी जी, पूरे में लाभ या हानि, पूरे में लाभ या हानि, तो सीखिएगा। पहला में लाभ हुआ है 16% का, इसका 16% निकाल लीजिएगा, 16 85 0 = 8, 16 64 8 72, यानी 7.20 रुपये का लाभ। यहाँ 10% की हानि हुई है, यानी 5.80 रुपये की हानि हुई है, तो 7.20 रुपये लाभ और 5.80 रुपये हानि, यानी शुद्ध लाभ हो जाएगा विद्यार्थी जी 1.40 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव से दशमलव खत्म कर दीजिए, 5220 से 5220 खत्म कर दीजिए, अर्थात 140 का लाभ होगा। राजकुमार जी 199 में सारा सब्जेक्ट है ना सर, 199 में पूरी चारों सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है विद्यार्थी जी, टेस्ट है 50 टेस्ट है 199 में, है ना। चलिए सेट का एक ही टाइम होता है विद्यार्थी जी, फिर से समझने की तैयारी कीजिए, इधर उधर भागिएगा तो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन का मजा लीजिए, मजेदार क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कहाँ से उठाना है ये भी सीखिएगा। जब कभी भी लाभ या हानि की बात होती है विद्यार्थी जी, तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही लिया जाता है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही लिया जाता है, इसलिए हर हालत में क्रय मूल्य का रेशियो निकालना पड़ेगा। कुछ बच्चे लिख रहे थे कि +16 -10 -16 × 10/100, कदापि मत करना भाई, 110% गलत हो जाएगा। तो पहला पे देखिएगा 16% लाभ, विक्रय मूल्य सेम है यानी 116%, यहाँ हो जाएगा 90%। विक्रय मूल्य सेम है, प्रत्येक को इतना में बेचा यानी विक्रय मूल्य सेम है, तो यहाँ विक्रय मूल्य 116, यहाँ विक्रय मूल्य 90, उलट जाएगा अर्थात हो जाएगा 90:116। यहां तक समझ में आ रहा होगा विद्यार्थी जी। अब आप देख लीजिए 5220 रुपया में प्रत्येक को बेचा है, यहां देखिए कितना में बिक रहा है विद्यार्थी जी, पहला दूसरा को बेचा या पहला को किसी का भी विक्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य सेम ही आएगा। पहला को बेचा है 16% लाभ पर, तो इसका 16% 16×44 से यानी 14.40 रुपये का लाभ। अब 14.40 रुपये जोड़ दीजिएगा विद्यार्थी जी, तो 104.40 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। पूरे में लाभ या हानि, तो यहाँ इतना का लाभ हुआ भाई, इतना का लाभ हुआ, यहाँ 10% यानी 11.60 रुपये की हानि हो गई। अब इतना लाभ हुआ इतना हानि हुआ, तो शुद्ध लाभ किससे निकलेगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो 14 रुपया में से 11 रुपया 3 रुपया गया, उसमें भी 20 पैसा यानी 2.80 रुपये। अब हल कर लीजिए, दशमलव से दशमलव खत्म विद्यार्थी जी, 522 से 2 बार में 10/44, 2 से 14 बार में यानी 14×10 = 140, यानी 140 का लाभ होगा। रेशियो बनाने आ गया विद्यार्थी जी तो मजा आएगा। गुरु जी यूट्यूब पर टेस्ट नहीं देते हैं क्या? अनिल जी टेस्ट सीरीज का पूरा डिस्कशन यूट्यूब पे देते हैं, टेस्ट कैसे यूट्यूब पे लीजिएगा आप खुद बताइए, यूट्यूब
पे टेस्ट कैसे होगा, संभव है? हाँ, डिस्कशन आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, और क्या दे सकते हैं जो संभव है, मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे पूरी डिस्कशन दे रहा हूँ, चारों सब्जेक्ट का डिस्कशन आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, हाँ ना, अल्टरनेट डे करके यूट्यूब पे आए होंगे तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट, एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 350 रुपए थी। सिंपल क्वेश्चन, प्रत्येक 350 में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य सेम है विद्यार्थी। उसने एक को 10% हानि पर, दूसरे को 20% लाभ पर। तो जब क्रय मूल्य सेम है तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है विद्यार्थी जी। पहला पे 10% हानि है और दूसरा पे विद्यार्थी जी 20% लाभ है, तो औसत लाभ हो जाएगा, दोनों जुट जाएंगे, यानी 10/2 का मतलब 5% का लाभ। तो जब कभी भी क्रय मूल्य सेम होगा तो ध्यान दीजिए, एवरेज का मतलब दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, तो +20 और -10, यानी +10/2 यानी 5% का लाभ विद्यार्थी जी। जब कभी भी क्रय मूल्य सेम हो, प्रतिशत लाभ या गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, और जब क्रय मूल्य पर की जाती है विद्यार्थी जी, तो जब भी इस तरह से रहेगा तो सबको जोड़ करके जितना वस्तु रहेगा उतना से भाग, तो +20 -10 यानी +10/2 यानी 5% का लाभ। आशा करते हैं सबसे आसान क्वेश्चन होता है विद्यार्थी जी। नेक्स्ट, मजा आ रहा है या नहीं, बस इसका जवाब दीजिएगा। ए और बी दो घड़ी के ने इतना रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचा है, फिर से विक्रय मूल्य सेम है विद्यार्थी जी। प्रति घड़ी की दर से बेचा, यानी सेलिंग प्राइस सेम है विद्यार्थी जी। तो सेलिंग प्राइस सेम है तो यहाँ हो जाएगा 110% में विक्रय मूल्य, और यहाँ हो जाएगा 75%, उलट जाएगा, अर्थात इधर हो जाएगा 75, इधर हो जाएगा 110। यानी ध्यान दीजिएगा, 5 से कटेगा 15 बार में, 5 से कटेगा 22 बार में, यानी आंसर हो गया 15:22। देखिए और आंसर दीजिए, 2023 में आया वो क्वेश्चन है। चलिए अनिल जी, चलिए आपको इसके लिए दिल से धन्यवाद भाई कि आप, मैं पसंद आ गया, आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ गई। नेक्स्ट, 962 रुपए प्रत्येक के मूल्य की दर से दो वस्तुएं बेची गई, यानी सेलिंग प्राइस विद्यार्थी जी सेम है। एक पर 30% लाभ, दूसरे पे 26% हानि। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में तंग करता है। मैक्सिमम विद्यार्थी जो बोल रहे थे लगा लेते हैं, +30 -26 -30 × 26/100। लेकिन ये तरीका गलत नहीं विद्यार्थी जी, महागलत है, ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं ब्लंडर है। चलिए अब सीखते हैं। रवि शंकर जी, एसएससी का जो क्लास आ रहा है यूट्यूब पर है? सर यूट्यूब पे नहीं है विद्यार्थी जी, ऐप पे है, स्टडी ट्रेन ऐप पे चले जाइए। डिस्कशन पूरा यूट्यूब पे है, पूरे टेस्ट का डिस्कशन यूट्यूब पे है, अल्टरनेट डे। नेक्स्ट सीखिएगा, तो देखिएगा, प्रत्येक को इतना में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य सेम है विद्यार्थी जी, तो क्रय मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए, उलट दीजिए, 30% लाभ का मतलब इधर 130 हो जाएगा, 26% हानि का मतलब इधर 74 हो जाएगा। ये सीख रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। रेशियो लिखिएगा तो 37 है इधर 65। अब सीखिएगा, यहाँ विद्यार्थी जी लाभ हुआ है 30% का, यहाँ हानि हुआ है विद्यार्थी जी 26% का। अगर आप हमसे एवरेज पढ़े होंगे तो एवरेज का नियम लगाइए विद्यार्थी जी, एवरेज का नियम लगाइए। प्रत्येक का औसत दिया है, पूरे का औसत पूछा जा रहा है, एवरेज पढ़े है ना गुरु जी? एसएससी के लिए एक क्लास ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है विद्यार्थी जी, मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी के लिए। नेक्स्ट,
चलिए एवरेज लगाते हैं, सीखते हैं, केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझने की तैयारी कीजिएगा, सीखने की तैयारी कीजिएगा। मैंने आप लोगों को 30 को मान लिया, इससे कम है मैं माइनस करूंगा, इससे 56 कम है विद्यार्थी जी, तो 56 गुने 65। अब बटा टोटल जोड़िए, 6 7 5 12 2 1 9 1 10। सीखते हैं, 7 5 12 2 1 9 1 10। ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, सीखने की तैयारी कीजिएगा। 2 से कटेगा 28 बार में 2 से कटेगा 51 बार। सीखेंगे और समझेंगे विद्यार्थी जी। ध्यान दीजिएगा, 28 गुने 65 बटा 51 करना है। केयर कीजिएगा, समझने की तैयारी कीजिएगा। मैं हल कर लेता हूं विद्यार्थी जी, थोड़ी सॉल्यूशन लंबे आए हैं, लंबी सॉल्यूशन से बचने का उपाय ढूंढते हैं। गुना करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा कि ध्यान देंगे, गुना करेंगे विद्यार्थी जी, तो 5 इससे 2 इससे यानी 13 बचेगा, यहां 14 बचेगा, 13 गुने 14 हो जाएगा, 13 गुने 14 यानी कि 130, 34 42, 13 गुने 14 विद्यार्थी जी, 13 गुने 14 140 और 34 42 यानी 182 पर 1 0 में कॉमन से भाग। चलिए अभी कॉमन से भाग देना है, थोड़ी टेढ़ी खीर तो है लेकिन आप लोग को भाग तो देना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि लॉस हो रहा है या हानि, 33 तिया 155 यानी 30 से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब लॉस होने की बात है, लॉस होने की बात है, हानि का बात तो है नहीं, गेन का तो बात होगा ही नहीं विद्यार्थी जी, लॉस की बात है। और ये कुरेट पूरे पूरे 36 नहीं लगेगा, 36 लग ही रहा लगता है, 36 का 1836 आ रहा है, 36 बार काटेंगे तो 1836 आ जाएगा, लेकिन ये 1836 से कम है अर्थात आंसर कुछ कम होगा, तो 6 से कुछ कम होगा अर्थात आंसर हो जाएगा 5.7%। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक जानबूझ के कैलकुलेटिव देता है, इस सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, सीखेंगे आगे। दो वस्तु को 975 में बेचा गया, एक पे 30% लाभ, दूसरे पे 25% हानि, सेम क्वेश्चन विद्यार्थी जी, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, पर दो वस्तुएं को इतने रुपए में बेचा गया है, एक पर 25% का लाभ, दूसरे पे 25% की हानि। यहां भी ध्यान दीजिएगा, हिंदी में गलत कर दिया, इंग्लिश ठीक है विद्यार्थी जी, प्रत्येक को इतना में बेचा गया नहीं, विक्रय मूल्य सेम है। अब विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का अनुपात उलट दीजिएगा, उलटने के तरीके 130 उधर चल जाएगा विद्यार्थी जी और 75 इधर आ जाएगा। चलिए 5 से कट जाएगा 15 बार में 5 से कट जाएगा 26 बार में। यहाँ पे लाभ हुआ है 30% का, यहाँ पे हानि हो गई है 25% का। अब प्रतिशत लाभ हानि निकालना है, एवरेज का नियम लगा लीजिए। चलिए छोटा है, अगर गुना कर देते हैं, 30 गुने 15 करिएगा, 15 तिया 45 यानी 450 माइनस 25 गुने 26 करिएगा विद्यार्थी जी, 650 बटा कितने के लिए, तो 26 15 41 के लिए, 30 गुने 15 15 तिया 45 450। इसका मतलब आप लोग का आ गया विद्यार्थी जी 200 बटा 41 यानी 5 बार तो नहीं लगेगा, यानी 5 से कुछ कम लॉस होगा, माइनस का मतलब लॉस होगा विद्यार्थी जी, 5 से कुछ कम अर्थात आपका आंसर सी। चलिए बहुत अच्छे, आकाश जी बुक आपके ऑफिस में मिल जाएगा या पीडीएफ आपके पास पहुंच जाता है, पीडीएफ से काम चला लीजिएगा। सीखेंगे, एक पुरुष 800 रुपए की कुल लागत में 2 घड़ी ए और बी खरीदा,
वह दोनों घड़ी को समान मूल्य पर बेचा। विक्रय मूल्य समान है विद्यार्थी जी, तो विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य का रेशियो लिखने की तरीके सीखिए। अब तो आग याद हो गया होगा, विक्रय मूल्य समान है नहीं 118, आई हो जाएगा विद्यार्थी जी 78। उलट देंगे 118 इधर आ जाएगा और 78 इधर आ जाएगा। दो से लगता है कट रहा है 39 बार में और दो से कट रहा है 59 बार में। अब केयर कीजिएगा, 800 रुपए की कुल लागत में खरीदी गई है, यानी टोटल क्रय मूल्य 800 है विद्यार्थी जी। यहाँ टोटल क्रय मूल्य जोड़िएगा, 9 9 18 के 8 बाकी 1, 8 और 1 9। चलिए अब क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से जिसे निकालना हो उसे गुना कर लीजिएगा। तो पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी दोनों घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। अब 98 से आपको काटने की तरीके सीखना है, 98 से काटने की तरीके सीखना है विद्यार्थी जी। अब सीखने की तैयारी करते हैं, समझने की तैयारी करते हैं आंसर लाने के लिए। अब आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन सिखाना चाह रहा हूं, इस कैलकुलेशन को सीखने आ जाइए जरा। आप लोगों को विद्यार्थी जी 800 में 98 से भाग देना है, 98 से। ये आपको भी पता है विद्यार्थी जी, ये 100 ध्यान दीजिएगा, ये 100 के पास रहता तो 8 बार में लग जाता। इसका मतलब अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो यहाँ 8 बार में 16 जोड़ना पड़ेगा, यानी 816 में विद्यार्थी जी 100 से भाग दीजिए 8.16 आ गया होगा। इसकी कैलकुलेशन अगर सीखिएगा, कैलकुलेटर लगाइएगा, 8.16 आ जाएगा। अब पहला का क्रय मूल्य तो 39 से गुना और दूसरा का क्रय मूल्य तो 59 से गुना। चलिए अब 39 और 59 से कर लीजिए, मैं पहला का ही पहले निकाल रहा हूं, सीखिएगा 39 से सीखेंगे विद्यार्थी जी। आगे ध्यान दीजिएगा, केयर करिएगा। अगर रुपया की बात करेंगे तो 8 नवा 72 के 2 बाकी 7। मैं रुपया की बात कर रहा हूं तो 8 से पहले गुना कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 8 से गुना कर रहा हूं, 8 नवा 72 के 2 बाकी 7, 8 या 24 और 7 31। प्लस रुपये पैसा की बात करिए, 16 नवा 44 से 4 बाकी 14, 16 38, 48 में 14 जोड़ देंगे, 48 में 14 जोड़ देंगे 62, यानी 312 और 6 318.24 के आसपास, 318.24 के आसपास। तो पहले तो 318 मिलना चाहिए विद्यार्थी जी, तो एक ही में है अर्थात आपका आंसर ए। चलिए बहुत अच्छे चमत्कारी बाबा जी, बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट आइए सीख रहे आगे। इतना रुपए में दो वस्तु ए और बी खरीदी गई, ए को 16% हानि पर, बी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। फिर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य समान है। तो जब विक्रय मूल्य समान है विद्यार्थी जी, तो क्रय मूल्य का अनुपात उलट दीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इतना मस्त क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर एक बार आप देख लीजिए, सोच लीजिए बनाने का, तो मजा आ जाएगा। कुछ बच्चे आते हैं केवल देख के जाते हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मस्त है, बेजोड़ है विद्यार्थी जी, इसीलिए बोला था सीजीएल मेंस का क्वेश्चन सीखिएगा। ए 16% हानि पर, अभी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 16% हानि का मतलब इधर हो जाएगा 84 और 20% लाभ का मतलब इधर हो जाएगा 120। बरसते 84 यानी 10:7 हो गया क्रय मूल्य का रेशियो विद्यार्थी जी, रेशियो हो गया क्रय मूल्य 10:7। अब ध्यान दीजिएगा, ए का प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, तो ए के लिए मुझे क्रय मूल्य निकालना है विद्यार्थी जी, और भी क्रय मूल्य निकालना है, ए का क्रय मूल्य भी क्रय मूल्य निकालना है। तो ए की क्रय मूल्य पहले निकाल लें, टोटल क्रय मूल्य है 1734, टोटल क्रय मूल्य है 1734 विद्यार्थी जी, 1734। यहाँ टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 17, पहला का क्रय मूल्य 10 से गुना, 17 का 17 17 दुनी 34 यानी 1020, क्रय मूल्य 1020 आ गया। और यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1147.50 रुपया, 1147.50 रुपया। तो प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है,
चलिए विद्यार्थी जी, कटता है तो काट लीजिए, यहां दशमलव के लिए जीरो। आशा करेंगे यहां तक समझ में आ रहा होगा। 25 से काट लीजिएगा, 25 से विद्यार्थी जी, या 102 से भी भाग दे सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। क्रेमूल आप लोग को दिया हुआ है 10200, और यहाँ भी क्रेमूल दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा ये भी समझा दीजिए, प्रॉफिट घटा दीजिएगा। तो चलिए, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 4 में से 2 गया 2, आगे 11 में से 10 गया 1। अब जल्दी से देखिएगा विद्यार्थी जी, अगर 102 से भाग पड़ जाए तो पूरे 100 बचेगा, तो 102 से भाग दे दीजिए। तो चलिए मैं 1275 में 1275 में 102 से भाग देते हैं विद्यार्थी जी, 12 बार में लगाइएगा तो 1224 आ जाएगा, यानी 12 से कुछ ऊपर लग जाएगा। 12 बार लगाइएगा विद्यार्थी जी तो 1224 आ जाएगा, 1224 आ जाएगा। बाकी आप लोगों को बच जाएगा कामन, है कामन बटा 102 का मतलब 0.5, अर्थात यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी जी 12.5%, अर्थात आपका आंसर सी। आप खुद देख लीजिएगा, कैलकुलेशन भी है, मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने से पता लग रहा है कि क्वेश्चन में जान है। नेक्स्ट विद्यार्थी जी, समझने की तैयारी आगे करेंगे, सीखिएगा। नेक्स्ट टाइप आ गया, टाइप चेंज हो गया विद्यार्थी जी, टाइप चेंज हो गया। अगर और पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जरूर अपनी मैसेज लिखे, अपनी मैसेज करें अगर और पढ़ना चाह रहे हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा टाइप, कुछ बच्चे बोलते थे टाइप थोड़ा सा और बढ़ाइए, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाइए, और थोड़ी सी लेवल अंत में बढ़ने लगता है तो आप लोग भागने भी शुरू कर देते हैं। भागने शुरू करेंगे तो कैसे काम चलेगा, परीक्षा में सब आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए और पढ़ना चाह रहे हैं, चलते आगे टाइप बढ़ाते हैं। राम ने 35,000 रुपया में 2 घड़ी खरीदा, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर, पूरे में न लाभ हुआ न हानि। अभी बताया हूं विद्यार्थी जी, पूरे में न लाभ हुआ न हानि मतलब पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होता है, और जैसे ही दो राशि बराबर होता है तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट दीजिए। तो 25 और 10 है तो उलट के हो जाएगा 10 और 25, यानी रेशियो हो जाएगा 2:5। विद्यार्थी जी, अब टोटल क्रयमूल आपका दिया हुआ है, तो टोटल क्रयमूल 3500 का तुलना विद्यार्थी जी 7 से, अब जिसे निकालना हो उसे गुना करें। पहला का क्रयमूल हो जाएगा 1000, दूसरा का 2500, अर्थात देखिए और आंसर मानिए, CHSL 2023 में आया हुआ है। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा जो एग्जाम में नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा 2023 में आया हुआ या नहीं आया हुआ। नेक्स्ट, फिर से विद्यार्थी जी, पहले को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को 10% हानि पर बेचा, पूरे में न लाभ हुआ न हानि। तो पूरे में न लाभ हुआ न हानि का मतलब क्रयमूल का रेशियो लिखने के लिए पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होगा, यानी 20 और 10 है तो लटके 10 और 20, यानी 1:2। टोटल क्रयमूल 300 दिया हुआ है विद्यार्थी जी, तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना क्या है, जल्दी देखिएगा। पहले का विक्रय मूल, तो पहले को बेचा गया है 20% लाभ पर, तो इसका 20% यानी 1.2 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 10 खत्म, अर्थात आंसर हो जाएगा 120। विद्यार्थी जी आंसर 120। नेक्स्ट सीखिएगा, सीजीएल मेंस में फिर विद्यार्थी जी आप मेंस का ही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार। अनिल ने 10,000 रुपए की कुल राशि पर 2 वस्तु ए और बी खरीदी है, ए और बी खरीदी है, ए को 15% लाभ पर, बी को 10% हानि पर बेचा, तो पूरे में न लाभ हुआ न हानि। तो पूरे में न लाभ हुई न हानि का मतलब पहला का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होगा, इसका मतलब क्रयमूल का अनुपात उलट जाएगा। तो उलट दीजिए, 15 और 10 है तो 10 और 15, यानी 2:3। टोटल क्रयमूल दिया हुआ है 10,000, यहाँ टोटल क्रयमूल हो गया विद्यार्थी जी 5। क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से निकालना क्या है,
निकालना क्या है जल्दी देखिएगा, ए का विक्रय मूल्य, तो ए को बेचा है 15% लाभ पर, तो इसका 15% 0.3 यानी 2.3, विद्यार्थी जी 2.3 जल्दी कीजिएगा, हल कर लेते हैं। देखिएगा 5 × 2 = 10, 0 से 10 खत्म, 3 × 2 = 4600। आशा करते हैं आप लोगों को आसान लगा होगा, ये भी आप लोग का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, मेंस में आया हुआ है जी। अर्जुन प्रजापति जी बिल्कुल। अब आइए विद्यार्थी जी नेक्स्ट टाइप की ओर हम बढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी जी इस टाइप तो आप लोगों ने सीख लिया, अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगली टाइप एवरेज पर आधारित है, औसत पर आधारित है, औसत पढ़े होंगे तो आप आसानी से बनाएंगे। चलिए रवि कुमार जी, टाइम एंड वर्क कब से होगा सर, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है भाई, ऐसे करेंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे, कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो एक करेंगे टाइम एंड वर्क, एक करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, मालूम पड़ेगा कि जो पढ़ना है इसमें मन नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप विद्यार्थी जी एवरेज पे आधारित है, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, सीखिएगा। 40% गुड्स आर सोल्ड एट 2% लॉस, कह रहा है पूरे का 40% जो है 2% हानि पर बेचा गया है, 2% हानि पर बेचा गया है। शेष मतलब विद्यार्थी जी 60 को 4% लाभ पर बेचा गया है, 4% लाभ पर बेचा गया है। अब जल्दी से देखिएगा, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है, अर्थात ये रेशियो जो हुआ क्रय मूल्य का हुआ विद्यार्थी। अब आपके प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया हुआ है उसका तुलना उसे कर ले, जिसे निकालना उसे गुना कर ले। अगर प्रतिशत लाभ पूछा जाता तब तो इसी से आंसर निकल जाता, एवरेज का यूज हो जाता, लेकिन निश्चित राशि पूछ रहा है तो प्रश्न में निश्चित राशि देख लीजिए, पूरे में 250 का लाभ हुआ है। यहां देखते हैं इसका 2% निकालिएगा विद्यार्थी जी, अगर दिक्कत हो रहा है तो 0 बैठा लीजिए, इसका 2% निकालिएगा यानी 8 रुपए की हानि होगी, इसका 4% निकालिएगा यानी 16 रुपए का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ 8 रुपए की हानि हो रहा है, यहाँ 16 रुपए का, सॉरी 24 माफ करिएगा, यहाँ 24 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब शुद्ध लाभ 16 रुपए का, तो लाभ का तुलना लाभ से। क्रय मूल्य निकालनी है तो विद्यार्थी जी बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालनी है, यानी 400, 600, 1000, 1000 विद्यार्थी जी। चलिए 8 से काट लीजिए, 2 बार में 8 से काटिएगा, 125 बार में और 2 से 5 बार में, यानी 125 × 125 अर्थात 156, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी ए। चलिए पीडीएफ कैसे मिलेगा सर, पीडीएफ सब विद्यार्थी लोग को मिल रहा है विद्यार्थी जी, स्टडी ट्रेन ऐप पे जाइए, वहां पे सारे पीडीएफ आपकी मौजूद है, निःशुल्क बैच में आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, निःशुल्क बैच में अपने आप को रजिस्टर कीजिए, वहां से पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, तो सेम क्वेश्चन हो गया विद्यार्थी। आगे राम ने कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपए का निवेश किया, कुल शेयर का 1/3 10% लाभ पर और शेष को 10% हानि पर, पूरे का 1/3 यानी पूरा अगर 3 है तो एक को बेचा है 10% लाभ पर, एक को बेचा है 10% लाभ पर और शेष को बेचा है 10% हानि पर, तो पूरे में अगर औसत लाभ पूछेगा, प्रतिशत लाभ पूछेगा तब तो आंसर इसी से हो जाएगा, लेकिन निश्चित राशि पूछ रहा है तो अपने निश्चित राशि का यूज कीजिए, परसेंट निकालने में दिक्कत ना हो इसलिए 0 बैठा लीजिए। इसका 10% यानी 10 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका 10% हानि यानी 20 रुपए की हानि हो रही है, 20 रुपए की हानि हो रही है। अब पूरे में दिया हुआ है विद्यार्थी जी सीखते, 4200 का निवेश यानी टोटल क्रय मूल्य 4200 का है, टोटल क्रय मूल्य 42,000 का है, यहाँ टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 300, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, राम को कितने का नुकसान हुआ है तो 10 रुपए का। अब 2 × 1 = 1 0, 1 × 0 = 1 0, 3 × 14 बार में अर्थात आंसर विद्यार्थी जी 1400, कितने का लॉस हो गया 1400 का। चलिए
नेक्स्ट, बाबा ने कार 3 लाख रुपए में और एक बाइक, बाबा ने कार 3 लाख रुपए में और एक बाइक अपने बेटे को 1 लाख रुपए में खरीद की दी है, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है विद्यार्थी जी, कार का क्रय मूल्य दिया हुआ है 3 लाख और बाइक की कीमत 1 लाख। पहला को बेचा है 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर, तो औसत लाभ हानि निकल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है मतलब औसत पूछ रहा है। औसत निकालने की बेस्ट तरीके छोटा है, गुना कर दो 10 या 30 में से 20 यानी 10 और बटा 4 के लिए यानी 2.5% का लाभ। कितना आसान क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, कहीं भी ये तरीके मौजूद नहीं है, सिर्फ बिहार शरीफ में ये मिलता है। नेक्स्ट सीखिएगा, एक वस्तु का 1/3 जगह लिखल है, एक जगह 1/4 लिखल है, इसलिए पूरे वस्तु का क्रय मूल्य 12 मान लीजिए, तो 12 का 1/3 4 को बेचा है 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, आगे 1/4 तो 12 का 1/4 हो जाएगा 3 को बेचा है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, और शेष बच जाएगा 5, टोटल 12 माने हैं, शेष को बेचा है विद्यार्थी जी 24% लाभ पर। अब जल्दी से केयर कीजिएगा, अगर एवरेज पूछा जाता, प्रतिशत पूछा जाता, एवरेज लगता, लेकिन यहाँ निश्चित राशि पूछा जा रहा है, तो कुल लाभ दिया है 62 रुपए का विद्यार्थी जी, यहाँ कुल लाभ कितना होगा सीखिएगा, हल करने में अगर दिक्कत हो रही है तो 0 बैठा दीजिएगा, क्योंकि हल करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका 15% यानी 60 रुपए का लाभ, इसका 20% यानी 60 रुपए का लाभ, इसका 24% यानी 120 रुपए का लाभ, यानी टोटल लाभ हो गया 240। तो लाभ का तुलना लाभ से टोटल लागत पूछ रहा है, तो 4 × 3 = 7 = 5 1200 विद्यार्थी जी, अब देख सकते हैं 0 से 0 खत्म, 24 × 5 = 20 आते, यानी आंसर हो जाएगा 310, पूरे पे लागत हो गई 310। तो आशा करते हैं विद्यार्थी जी इस टाइप में भी अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट एक आपको क्वेश्चन और देख लेते हैं विद्यार्थी जी, किसी वस्तु की कुछ निश्चित संख्या में से 2/3 को 35% लाभ पर, 2/3 का मतलब अगर पूरा अगर 3 है, पूरा अगर 3 है तो 2 को बेचा है 35% लाभ पर, 2 को बेचा है 35% लाभ पर, आगे 25% वस्तु को 30% पर, 25% निकालने में दिक्कत ना हो इसलिए केयर कीजिए, क्या कर रहे हैं, 25% निकालने में दिक्कत ना हो इसलिए 3 की जगह मैं 12 मान लू, क्या कर दिया यार, चलो यार उधर से लगता कुछ छेड़छाड़ कर दिया, चलो आज भर यहीं पे रोक लो, इसको आप खुद बना लेना भाई, क्योंकि एवरेज ही लगेगा, बहुत मस्त क्वेश्चन था, कलम निकाल कर रहा है, पूरा 12 मान लेना तो 12 का 1/2 8 हो जाएगा, और फिर विद्यार्थी जी 25% का मतलब 3 हो जाएगा और शेष 1 हो जाएगा, तो 3 को बेचा है 30% हानि पर, 1 को बेचा है 5% हानि पर, तो पूरे में औसत लाभ प्रतिशत हानि निकालना है। तो चलिए विद्यार्थी जी आज के लिए यहीं तक, लास्ट टॉपिक बच गया आप लोगों का, लास्ट टाइप क्या बच गया भाई, तो लास्ट टाइप आप लोगों को बच गया है बेमान बनिया और बेमान ग्वाला, है ना, दूध में पानी मिलाना बेमान ग्वाला, और विद्यार्थी जी कुछ कम तोलना, अपने को मित्र बताते हुए 1 kg की जगह 800 ग्राम के बाट का यूज करना बेमान बनिया का क्वेश्चन कहलाता है। तो अब 2 टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइप में बच गया है, वो नेक्स्ट डे चलेगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी पढ़ाने के तरीके अच्छा लगा होगा। राज नंदनी जी बहुत अच्छा, थैंक यू, आपको भी वेलकम भाई।
तो ध्यान दीजिएगा आज के लिए यहीं तक विद्यार्थी जी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सर एडवांस मैथ का क्लास नहीं होगा, अरे बंधु क्या करें यार, यही सब पढ़ने वाला नहीं बच्चा ऐसे ही उछलते रहता है। मैथ पढ़ाएंगे तो इंग्लिश खोजेगा, इंग्लिश पढ़ाएंगे मैथ खोजेगा, क्योंकि उसको कहीं मन नहीं लगता है। मन लगना चाहिए, क्या ये पढ़ा रहे हो गड़बड़ है, अब क्या करें भाई, इसको मैं टार के एडवांस लिख दें क्या? तो चलिए आज के लिए यहीं तक विद्यार्थी जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हमेशा खुश रहिए। चलिए बीएससी बैच वाले को टेस्ट सीरीज अलग से लेना है। जी 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 कार्तिक जी, टेस्ट अलग है, क्लासेस अलग है, टेस्ट अलग है, क्लासेस अलग है। आप जो बैच लिए है उसमें टेस्ट चैप्टर वाइज होगा, जो आप बैच लिए है उसमें टेस्ट चैप्टर वाइज होगा, और ये जो टेस्ट हो रहा है विद्यार्थी जी, वो पूरे का 150 क्वेश्चन का हो रहा है, 600 नंबर का हो रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए क्लास थोड़ा ज्यादा लीजिए, ज्यादा संख्या रहिएगा, ज्यादा लेंगे ही, संख्या बढ़ाइए, है ना। इस क्वेश्चन को बता दीजिए, कलम नहीं चल रहा भाई, नहीं तो बता देता। देखो ऐसा थोड़ी को है कि इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हमेशा खुश रहिए।